शेयर uh, like करें WhatsApp पे ना भे दिया करें लिंक ठीक है देख ये दो लोग बैठे हुए जिनको कोई नहीं सुन रहा तो आप लोग प्लीज़ सुनिए इजी पैसेज uh, ये वो फ्लाना टमगाना हमको सब सारा कुछ करते हैं ठीक है आप बस पैसे भेजते रहे ताकि ये अपने कमरे में बैठा रहे क्योंकि तो मैं और हो ही होती हूँ तू तो, तो बैठा होता है कमरे के अंदर ठीक है खैर एनीवे इंट्रो Welcome back. Before we start with our regular transmission of not so good news, this sweater, we have a segment, at least a two segments, this

कुछ रह गए हैं साल <laughs> दम तक हम म्यूजियम बनाएंगे तुम्हारे कपड़ों का ठीक है और इसके मैं चाह रही हूँ कि मैं एक जर्नल पूरा इसका बनाऊँ कि किसने इसको दिया कितने साल पुराना था कौन से कूड़े के डब्बे से उठाकर लेकर आया था लेकिन इसके साथ अटैचमेंट है बस मैं कपड़े जो भी मेरे पास होते हैं मैं इतनी ज्यादा पहनता हूँ कि अटैचमेंट बन जाती है <laughs>

और मैंने इसको कहा था कि मैं तुम्हें तो पाँच सौ रुपया दूंगी और तुम गाना गाओगे अब प्रॉब्लम ये है कि ना पाँच सौ मेरे पास है ना पाँच सौ इसके पास है ना मुकी इसके पास पाँच सौ है तो यार मतलब तो कैश रखा करें ना ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी <laughs>

उसमें मतलब सात छह सात लोग थे और अच्छा। मैं मैं एज इन्वेस्टर था मैं उसमें मतलब वन ऑफ द इन्वेस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं हाँ तो वो बाहर हाल वो सारा प्लान श्लान डिस्कस हुआ और काफी उधर मिलियंस की बातें हो हाँ। रही थी तो उसके बाद जब निकलने लगे हाँ। <laughs> तो मैंने उनको कहा कि अगर किसी को पास पचास क्योंकि मेरे गाड़ी की पर्ची के पैसे अब पता नहीं कैसा इंप्रेशन पड़ा है उन लोगों पे लेकिन ये है कि <laughs> शुरू में तो अच्छा ही पड़ा होगा

आई एम एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन ये है कि पता नहीं ये मेरी जिंदगी में ना बाजा बचता रहा कोई समझता नहीं है तुमने आके ना पैसे मेरे मुंह पे मारने <laughs> <laughs> मैं गाना सुनाऊंगा गा ठीक है है तो एपिसोड आपने जरूर देखनी क्योंकि क्योंकि इसमें ये ये फिर जी आ जाते हैं हैं उसी आ, आ, रोने पे आ, उसमें हम करते कि वो जो आ, अली ने उस दिन वो नहीं बल्कि हम लंडे से क्यों ना करें मतलब तुम स्वेटरों की बात कर रहे हो एंड बाय द वे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम स्वेटर है जिनपे पैसे लगाए होंगे लेकिन मैंने मैंने लंडा बहुत खरीदा और वो पिछले दस साल से वही लड्डा चले जा रहा है ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसको फेंकने की हावी अनफॉर्चुनेट ये है कि लंडा टैक्स हैज़ इंक्रीज भाई और एक किलो के वजन पर जो है वो एक डॉलर पे बात आ गई है इससे ज़रा कम होती थी काफ़ी कम होती थी तो ताजर जब बरदरी है जो इसके लंडे की स्पेशली वो सख्त गुस्से में इस टाइम पर कि अगर आप इस तरह करेंगे तो कौन ख़रीदेगा अब आगे आप कुछ नहीं ख़रीद कर पा रहे लंडा टैक्स भी पढ़ा दिया ये मेरे साथ भी जाती है मैं तो जाना सी अति

गाइस अगर लंडे के में पर्दे अगर कहीं अवेलेबल है तो प्लीज मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे नए पर्दे चाहिए जरा वो वाले जो बिल्कुल अंदर से रोशनी ना आ रही हो बिल्कुल भी तो अगर आपको कोई जगह पता है तो प्लीज कमेंट्स में छोड़ तो दीजिएगा पर्दों के पीछे अगर आप काला कपड़ा लगवा लो तो फिर नहीं आती यार इतनी मेहनत कौन करे मैं चाह रही हूँ बस फेब्रिक में हो जाए ना काम खत्म क्यों मेरी डबल आपने वो करानी है बट नहीं मैं ये मुझे खबर थोड़ी सी हर्ट की थी क्योंकि मैं अभी गई भी नहीं मैंने जाना है मैंने पांच को स्वेटर मैं लेने नहीं। लेकिन अब हालात ये हो गए तो ये वैसे जो तुम्हारी ख्वाहिश पैदा हुई है ना इसका मतलब है कि तुम्हें आजकल डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है

तुम पहुंच गए हो उधर ही ठीक है मैं इसे डिस्कनेक्ट भी चली गई क्योंकि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था तो मैं बड़ी अपने हवा में रहती हूं रहती बस ठीक है ऐसी ठीक है आज जी आ, ये वाली जो खबर है ना इस पे वो जो अली ने वो क्या था तो दो धड़ों में तकसीम होगी गई ताजे वो ये है कि रमीज आ, रमीज राजा हैज बीन रिमूव्ड एज द पीसीपी चेयरमैन और अब आ गए हैं नजम सेठी वहां पर Uh, और नजम सिटी का टाइम जो अगर आप देखा जाए क्रिकेट वापस आए पी एस एल स्टार्ट हुई बहुत कुछ हुआ लेकिन देर ज्यादातर गुरु जी वो दूसरी बातें कर रहे होते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था फिर अगर उन्होंने नहीं, नहीं किया तो फिर किसने किया था तब तो वसीम खान भी नहीं थे तो इस सब जो है ना बहुत ज़्यादा दोनों कैंपों से इन्होंने टें टें ट लगाई हुई और उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ मैरिट वाली मोमेंट दिस इज़ अ पोलिटिकल जो है वो अपॉइंटमेंट की गई है तो आ... इसपे ना एक नहीं। साहब हैं जिनका मैं नाम भूल गया हूँ उन्होंने बहुत अच्छी, अच्छी है। चीज़ लिखी खान साहब को बदल सकते थे कि पीसीबी का चीफ किस तरीके कार से अपॉइंट होगा उन्होंने अपने चार साल में नहीं बदला उन्होंने राजा को वो लेके आए तो फिर जो अगली उसको ले आए

करते करते मैं गपी करके कि मैं कुछ कह ना दवा ठीक है लेकिन इसका बस एक जो मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक नजर आ रहा है वो ये है कि रमीज राजा विल बी बैक इन द कमेंट्री बॉक्स जो कि मैंने बिल्कुल नहीं चाहा था ठीक है अपने दौर के अंदर ही एक दफा वो नो जैनब उनसे सवाल पूछने लग गई पता नहीं कौन सी सीरीज चल रही थी तो पीछे बाबर आजम खेल रहे थे जैसे ही रमीज़ राजा ने बाबर का नाम लिया वो साथ ही आउट हो गए मतलब ये हाल है सोचे वो कमेंट्री बॉक्स में जाएंगे तो हमारे जीतने का वो फ्यूचर था ना वो भी

ट्राई टू फाइंड सोमन एल्स काफ़ी टीम काफ़ी खूबसूरत टीम है हमारी कोई और मिल जाएगा आपको अच्छा जी इमरान रियाज खान आ, मेरे ख्याल से जितना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो करते हैं उस टाइम पे और कोई नहीं करता मैं उनके यूट्यूब की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस मामले में अच्छा उन्होंने जो है ना ये इमरान खान की जो वीडियो ये ऑडियो जो लीक हुई है एवरी थिंग एल्स उसके ऊपर उन्होंने दिखाया कि यह होता कैसे है उसके अंदर वो प्रोसेस बताते हुए उन्होंने वो कहा पूरी वेबसाइट ही डाउनलोड हो जाती है जो क्या वेरी क्यूरियस कि वो कैसे होती है अच्छा फिर उन्होंने नारे भी नारे भी मियाँ साहब के हक़ में लगाए वो भी मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज़ के अंदर तो मैंने तो उनको उसी वक्त माफ़ कर दिया कि कोई बात नहीं आप जो भी बात कर रहे ना करते रहे क्योंकि मियाँ साहब के नारे लग गए थे तो लाइक मैं इसको बस समप कर दूँ इमरान रियाज खान को नहीं करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैं बहुत बड़ी मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज़ थी और मियाँ साहब के नारे लग रहे थे और मिया बच्चन के और मेरे लिए तो म्यूजिक टू माईअस था ना अली मैंने तो खुश होना ही था अच्छा क्रिकेट की हम लोग बात खेलते रहे हैं ना ही उनकी मंथली रिटेनर की, की, की गई है और ये एक बहुत ही लव्ड स्पोर्ट है इस मुल्क की इससे ऊपर कोई स्पोर्ट है कोई नहीं है बैकलॉग जो है तीन महीने का चल रहा है <coughs> और इसके अलावा सरफराज नवाज का भी आया हुआ है बयान कि उनकी भी पेंशन बहुत सालों से दो हज़ार सत्रह में उन्होंने कहा था कि मैंने क्रिटिसाइज़ किया था पीसीपी को जिसके बाद से मेरी पेंशन बंद कर दी गई थी तो आई आई होप कि नजम सेठी साहब जब चार्ज अपना संभालेंगे तो ही विल पे अटेंशन टू दिस एंड क्लियर दी जिसे कहते हैं उनके जो भी पेमेंट्स वगैरह हैं मतलब मत, मुझे समझ नहीं आता फिर आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो लोग हॉकी या फुटबॉल खेल रहे हैं उन बेचारों के साथ क्या ही बीत रही होगी अभी हमारे जो है ये बहुत जाने माने और बहुत ही कोई जो है ना बेहतरीन स्पॉर्ट है पाकिस्तान की और वो अच्छा इस पे एक और मजेदार चीज हुई कि वो इजाज़ अहमद पुराने क्रिकेटर जो है वो केक लेके अजहर अली के घर पहुंच गए उसकी रिटायरमेंट पे Cute. हाँ, क्यूट लेकिन वो जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ना क्या ऑब्सेशन है केक के साथ आई लव दैट केक ठीक है एक तो वो रोटी गैंग वाली चीज थी एंड दिस केक थिंग दैट जस्ट री यूनाइट एवरी मैन एंड आई थिंक ये केक वाला कल्चर सिर्फ पाकिस्तानी टीम के अंदर और किसी के अंदर नहीं है यही खाते है, जब भी खाते अच्छा जी आ, ये खबर है अबाउट द एन जी ओज इन पाकिस्तान एक तो वैसे ही कोई भी बात हो ना सबसे पहले वो एन बंद कर देते हैं कि एन उद बंद करो जो फहाशियाँ ना ये सारी यही फैला रहे हैं जो बेरहार है इसके अंदर अब ये कहा गया है कि जी आ, अब अगर एन ने कोई प्रोजेक्ट उठाना है तो ईच प्रोजेक्ट जो वो उठा रहे हैं उसकी एम सेपर सेपरेट सेपरेट होगी मगर अगर तीन प्रोजेक्ट अलहदादा हैं तो तीनों की अलहदा उन्होंने एम जो है वो करवाने और अगर उनको एम ग्रांट हो गया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया किसी भी दिन अगर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का दिल किया तो वो प्रोजेक्ट इतना ठप कर देंगे

ढाई सौ रुपए का डॉलर जब यहाँ आएगा तो आप इनको ट्रेड करके दोगे दो सौ पच्चीस पे जी। ठीक है बल्कि मुझे तो मेरा जो डॉलर है वो तो मुझे दो हजार सौ अठारह पड़ता है ये जो यूट्यूब वाले आते हैं ना यार तुम बहुत गरीब हो ये, ये सरकार जिस जिस जगह से पैसे एंटती है और अब ये कहे ना कि जी वो क्योंकि जॉयलैंड तो पंजाब को तो अच्छी लगी ही नहीं ना ठीक है नहीं देखोगे ना नहीं नहीं अब वहाँ से जो जॉयलैंड के पैसे आएंगे ना, तो उस ना उसमें गवर्नमेंट कुछ ना रखे हाँ <laughs> नाउ ना यू टॉक ठीक है आपका फिर कोई हिस्सा नहीं बनता वाकई में बाहर जो है 255 का डॉलर है ये हमसे हमें डॉलर भी नहीं देते और जब बाहर से हमारे डॉलर आते हैं हमें चेंज करके देते हैं 218

हाँ। लगे ने? नहीं ऐसा मैं तो फिर वही बात है हाँ। मैं ये तो खैर इरतकाब जुर्म होगा अगर मैं किसी को कहूंगा कि वो गैर कानूनी हरकत करे और वो नहीं करेंगे लेकिन मसला फिर वही है ये जो पूरी दुनिया में पैसे कमाएगी जॉयलैंड वो बैंकों के थ्रू क्यों लाए यहाँ पे <coughs> पैसा जब इतना कटौती हो जानी है वो क्यों ना करे हुडी

ठीक है देखिए प्लीज़ नोट करे शिबाजू तुम तुम तो मेरे दोस्त है यार मतलब थोड़ा पे अटेंशन ना मतलब हम और किस तरह से कमाए और क्या तरीका है हमारे पास अच्छा ये एक नया रोला पड़ा हुआ है अब इसको लोग अप्लाई भी करे हैं मैंने तो कोशिश ही नहीं की है वो ये है कि जी तस्दीकोद जदीद लॉन्च किया है आ, ये नादरा ने जिसके अंदर आप एक नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं आ, और पता करा सकते हैं कि आपके अबू ने कितनी शादियाँ की हुई हैं <laughs> और बच्चे कितने हैं साइड पर और सारी ख़ानदान की डिटेल्स आप निकलवा सकते हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी आपने सिर्फ़ सी एन आई सी नंबर भेजना है और इशू इशू डेट जो है वो डालनी है आपने लेकिन एक अमार ख़ान है उन्होंने वो किया ठीक है और उन्होंने कहा कि उन्होंने इशू डेट भी नहीं मांगी उन्होंने कहा सी एन आई सी इज मोर देन द टू टेल यू कि जी इन्होंने शादी की या कि नहीं देखिए जिन्होंने छुप के शादी की भी उनकी शामद तो आनी चाहिए लेकिन ये आपको पता है ना यहाँ पे बोगस सिम्स भी मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नंबर पूछ रहे हैं आपका कि अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ तो यू माइट नॉट एक्चुअली गेट द इंफॉर्मेशन लेकिन ये कि आपको बोगस सिम्स भी मिल रही हैं सेम सिम बहुत सारे लोगों के पास भी होती हैं तो आपका कच्चा चट्टा कोई भी निकलवा लेगा है ना हमारी

अवाम के पुर पे एडल्ट्री पे हाँ। सजा ओ हाँ। कर दी है ओ हाँ। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हाँ। वो है कि पता नहीं कितने पैसे जुर्माना है और एक साल कैद है अच्छा लेकिन वो होगी सिर्फ तब अगर अपनी बीवी या फैमिली जो है वो थाने में रिपोर्ट करे और वो कहे कि सजा इसको दें अगर अपनी फैमिली ये नहीं इंसिस्ट कर रही कि इसको सजा दें तो फिर उसको सजा नहीं होगी <laughs> वो तो किसी को भी फिर इसका मतलब सजा देंगे होगी उन्हें मार खानी है शिकायत होते ला नहीं लेकिन मसला ये है कि आपने अब आप, आउट ऑफ बेड आपने किसी के साथ कुछ चक्कर चलाया आपकी बीवी को बता रहा गया बीवी कह रही है कि दो सजा <laughs> तो फिर आप अंदर हो अगर बीवी दरगुजर कर दे तो फिर बचत यार गुड वेरी स्मार्ट रूल ये वेरी स्मार्ट रूल खैर यहाँ तो कोई रूल लगता ही नहीं है लेकिन मुझे ये नादरा वाली बात जो है ना मैं थोड़ी सी मेरे एंटी ने खड़े हो गए हैं इस बात पे कि यार किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल के बैठ सकते हो ये क्या बात हुई खैर अच्छा देर इज अस्पिटल इन सिंध सिंध में था okay. Uh, जहाँ पे ना सही टांग का ऑपरेशन करती है डॉक्टर <laughs> के सही का हो गया कल बल्कि ट्विटर पे एक और भी वो चल रही थी ऑपरेशन किसी और चीज का करना था दिल का करती है बहुत भी हो गया शायद बंदा हाँ जी बस वो जाहिर है मतलब उसमें एक तो ये मसला है काबिलियत का भी मतलब मसला होगा असल चीज तो ये है कि एक्सीडेंट्स तो ये मेडिकल एक्सीडेंट्स अमेरिका में इतने ज्यादा होते हैं जहां पे इतनी इंश्योरेंस और ये और वो और सारा कुछ है क्योंकि वहां पे भी आप किसी भी अमेरिकन डॉक्टर से पूछो जो अस्पताल में काम करता हो कि तुम्हारे ड्यूटी आवर्स के हैं अजीबी ड्यूटी आवर्स हैं और उसकी वजह ये है कि वो भी अंडरस्टाफ है डॉक्टर्स हैं ही कम और इधर तो है ही कुछ नहीं हाँ मतलब हमारे सीटें खाली पड़ी हुई है बाय द वे सीटें लेकिन हम किसी को नहीं करते हैं बस ऐसे ही डॉक्टर ही नहीं है ना इधर तो नर्सें नहीं है हाँ नर्सेस का भी तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे यार आप जब भी इमिग्रेशन के लिए कहीं देखते हो ना किसी भी मुल्क का जो नर्सों की डिमांड है ठीक है नर्सिंग स्टाफ के लिए तो मेरे ख्याल से वो चली जाती होंगी होंगे मगड़ो लो हाँ, अच्छा सारी कोई भी टेक्निकल हाँ अच्छा तो जी और, <coughs> मैं ये बताती अच्छा वो ना आप जो इंडियन लॉ की बात कर रहे थे मैं यहाँ पे ये बता दू की यहाँ पे ये नार्केटिक्स के सारा मतलब ड्रग वगैरह अगर आपके पास से निकल रही है तो इसकी सजा मौत थी ना ठीक है अगर ने आपके ने पास खास आप की वो उन्होंने बाय द वे ये असम्बली के बिल जो है वो मंजूर कर लिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस नहीं होगी उम्र कैद होगी बड़ी क्वांटिटी पे हाँ जी बड़ी क्वांटिटी पे भी उन्होंने ये कहा है कि डेथ सेंटेंस नहीं होगी बिकॉज देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जब यू you नो know, बस वहाँ पे प्लांट कर दी जाती है किसी का उसमें ना भी कसूर हो डेथ सेंटेंस मुझे वैसे ही मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है तो आई थिंक उमर कैद इज अ बेटर स्टेप आई गेस आई सपोज तो अच्छा अच्छा जी मुझे एक और याद आया कि पिछले से पिछले से एपिसोड में जब हमने वो उससे, कि उससे पहलेकेशन इंडियन 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 हाँ, थी वो उन्होंने जो इंडियन काउंटर पार्ट थे उनकी पहले बारी थी और जिसपे उन्होंने कहा था की जी पाकिस्तान में तो शाम लादिन निकला जाते हैं और पाकिस्तान

और वो अभी तो हमारे जैसे हमारे हालात पे नहीं पहुंचे और शायद ना भी पहुंचे इन हालात में लेकिन बाहर हाल हालात उनके भी बहुत ख़राब हो रहे हैं तो बेसिकली होता ही है कि जब माल पानी मुल्कों के पास कम होता है ना तो फिर हकूमतें करती हैं कि वो लोगों को कहती हैं कि जोश जो, जो, जो है ना वॉर मोंगरिंग तो जो वो है वो, वो पीक पे आ जाती है जब भी इस तरह की बातें कहीं भी होना आपने समझ जाना है कि <coughs> फाइनेंशियली काम हाँ आपको ध्यान लगाया जा रहा है जैसे खैर हमारे मुल्क में तो बहुत चीजें चल रही हैं जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है अच्छा जी डाके जो लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं बैंक बैंक्स के बाहर जो है 201 शहरी जो है ना वो लुटे गए हैं

अच्छा ये तो एक और इशू हमारे लिए तो ये डबल इशू है उसकी वजह ये है कि एक तो जाहिर है कि डाका पड़ना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है दूसरा ये है कि ये वो मुल्क है जिसमें पहले ही सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग पैसे जो है वो बैंक में नहीं जमा कराते डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है और इस वक्त तो हुकूमत की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मतलब तो ये क्यों करती है के? जी, आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाओ अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल दोगे तो 16 परसेंट के बजाय 5 परसेंट जीएसटी इसीलिए है कि यार डॉक्यूमेंट हो जाए इकॉनॉमी Того hmm.

वो किया और उन्होंने कहा कि अगली पेशी पे हमें ये सारा रिकॉर्ड चाहिए अच्छा अब इस पर हम केस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे उसकी वजह यह कि मैं जानता ही नहीं उस केस को आ, उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि वो कुछ दुश्मनी थी वो एथनिक वजह से था वो क्या हुआ किसने किया जो, जो बंदा है जो उसके इल्जाम में अंदर है उसने भी बेल के लिए पता नहीं अप्लाई किया हुआ और सारे मामला सिर्फ ये खबर हम कर इस वजह से रहे हैं ये 26 साल पुराना हाँ, केस है 26 ईयर ओल्ड केस जिस पे इस वक्त ये बात हो रही है कि फलानी चीज का रिकॉर्ड गायब है और फलानी चीज़ का है और वो हरकत में आए हुए हैं इस टाइम पे इस एक तो, केस के ऊपर प्रोसीडिंग्स के लिए तो वी डोंट नो कि क्या है लेकिन ये हालात है वंस अगेन हम वही बात जो करते हैं कि जी केस ना करो क्योंकि ये हो सकता है आपका शायद पचास साल उसके पीछे लग जाए कोई फायदा नहीं होता जो हो गया ना बस हो गया उसको वहीं रहने दें अच्छा जी आखिरी खबर हम लोग कर लेते हैं हमारी बात पड़ी है अच्छा वो ये है कि सुजुकी ने 2023 में वैगन आर जिसको मैंने हमेशा वो कहा साबनदानी या जो भी है वॉशिंग मशीन और जो डब्बा गाड़ी है

जिस तरह मेहरान की जगह ऑल्टो आ गई थी हाँ हाँ अच्छा। अच्छा अच्छा। और ये डिमांड कम हो गई है।, है।, है इस वक्त तो शोरूम पेड़ गाड़ियां खड़ी हैं क्योंकि कोई खरीद नहीं पा रही है महंगी गाड़ियां हैं भाई हां और वही बात है अभी भी मतलब गाड़ियों की जो सेल है वो इस वक्त रिकॉर्ड कम है क्योंकि लोगों के हालात टाइट है ये वो मल्टीपल मुसाइल आपको ऑन के बगैर नहीं क्योंकि <laughs> जो बनेगी भी वो इन्वेस्टर तो टाले नहीं है और जैसे ही कंपनी को ये पता लगा हाँ। है लगा है कि जी इस वक्त मार्केट में कम बिक रही है उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी है क्योंकि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो क्योंकि ये सब बहुत कंपनियां सब इन्वेस्टर, मिले हुए ये सब मिले हुए हमारा कोई नहीं है अली <laughs> हमारी सिर्फ वैगनार है ठीक है और सुजुकी की बाकी अदर गाड़ियां एनीवे anyway, अपना आपने ख्याल रखना हमें आपने पैसे भेजे ठीक है भी ये आपकी जिंदगियों का मकसद है इसके अलावा कोई मकसद देखते रहे बाय